सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम का हमारा विषय है योग एक जीवन शैली। योग ये शब्द ही अपने आप में एक विस्तृत रूप धारण किए हुए है। योग का मतलब एडिशन, अगर अंग्रेजी की मैं बात करना चाहूँ, योग का मतलब जुड़ना। और ऐसा कहा जाता है, विशेषज्ञ कहते हैं कि योग मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। एक श्लोक भी यही कहता है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग मन के विकारों को भी दूर करता है। अभी जो प्रार्थना हमने पढ़ी उसका अर्थ संक्षिप्त में ये कहता है, ये गुरु और शिष्य मिलकर इस प्रार्थना को करते हैं, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सब का भला हो। गुरु और शिष्य, हम दोनों को एक साथ ऊर्जावान बनाना, हम दोनों को ही एक साथ सफलता की सीढ़ियों पर लेकर जाना। ये प्रार्थना को संक्षिप्त में बताया मैंने। ऐसे योग का, अगर हम भारत के संक्षिप्त में अगर मैं बात करूं, संदर्भ में भारत की, तो भारत को योग गुरु कहा जाता है, यानी इसका उद्गम भारत से ही हुआ। और देखिए, इसकी जो प्रचार प्रसार की अगर हम बात करना चाहें, 2015 से हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते चले आ रहे हैं। मतलब योग के महत्व को इतना बढ़ा दिया, इतना महत्व इसका सबने समझ लिया कि भारत से निकल कर ये विदेशों तक में पहुँच गया। सबसे पहले जोरदार तालियां, क्योंकि तालियां ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। तो योग में हमने देखा कि हम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की तो चर्चा करने ही वाले हैं, और हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से योग के आसन हमें स्वस्थ रख सकते हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर मैं प्राणायाम की बात करूं, जिसको प्राणों के आयाम की बहुत बड़ी विधा है, ये बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो चलिए, हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, हम उनका आपसे परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ, जो आप लोग हमारे साथ हैं, वो जो हैं डॉक्टर साधना दुनरिया जी, PhD हैं, यानी कि विभाग प्रमुख है योग विभाग से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। अगले मेहमान का हम स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर ज्योति केसवानी जी, PhD संत रामा मेडिकल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। अब अगली अतिथि हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रोग्राम में, रुचि शुक्ला उनका नाम है, और योग शिक्षिका है ये, योग विभाग BU यानी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से ही। इन तीनों का स्वागत करते हैं। और इसी के साथ आज जो परफॉर्मर है, यानी हम जिन पर चर्चा करने वाले हैं, उनके साथ साथ हम आपको योग के आसन भी बताते चले जाएंगे। तो वो जो परफॉर्मर है, जो प्रदर्शन करता है, उनका भी हम स्वागत करते हैं और परिचय करवाते हैं। अनिरुद्ध शर्मा हमारे साथ हैं, इन्हीं के साथ इस प्रदर्शन में जुड़ेंगे रामेश्वर और ईशा भी। और हमारे जितने भी छात्र इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है मैम, मैं आपके पास बिना देर किए आ जाती हूँ। डॉक्टर साधना मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने सालों से योग के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपके कई शिष्य ना सिर्फ शहर में, प्रदेश में, प्रदेश से बाहर देश की बात करूं, और देश के बाहर भी कमाल कर रहे हैं योग के क्षेत्र में। कैसा अनुभव रहा योग से जुड़ने के बाद, जब आपने पहला कदम योग विभाग में रखा होगा? बड़ी अच्छी यात्रा है ये, कि योग विभाग की जब प्रारंभ हुआ तो UGC की एक स्कीम थी, प्रमोशन ऑफ योग यूनिवर्सिटीज, उसके तहत विश्वविद्यालय में योग सेंटर प्रारंभ हुआ, और उसको वो आज विभाग के रूप में फल फूल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं और सभी कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट से लेकर PhD तक, और हर साल विद्यार्थी आते हैं, बहुत कुछ सीख करके जाते हैं और समाज में सिखाते हैं। भोपाल, जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल सही बात है, भोपाल से लेकर विदेश तक मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ इंटरव्यू के लिए या एग्ज़ाम के लिए या किसी मीटिंग के लिए, तो मुझे जब मेरा विद्यार्थी वहाँ किसी अथॉरिटी के रूप में मिलता है, तो मुझे रियली में
ऐसे मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार किसान अपनी फसल को जब लहलाता देखता है तो खुश होता है, उसी प्रकार से जब मैं जाकर अपने विद्यार्थी को देखती हूँ एक अथॉरिटी के रूप में, तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। क्या बात है, जोरदार तालियां, मैं इनकी बात से भी वाकई कि कितना कितनी खुशी होती होगी, ये शायद मैम ही बता पाएंगी अपने अनुभव से, कि एक शिष्य आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन भी किया जाता है इस विभाग में, या मैं योग के क्षेत्र से जुड़ने की बात करना चाहूँ तो। अगला मैं सवाल आपसे रख लेती हूँ, डॉक्टर ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है, और एक रोचक बात और आपको बता दूं, मुझसे लेकर यहाँ जितने भी छात्र बैठे हैं, खासतौर से जो प्रदर्शन करता है उनकी बात करूं, या फिर मैं दाएं तरफ बैठी हुई शुक्ला जी की बात करना चाहूं, या मैं बाएं तरफ बैठी हुई ज्योति मैम की बात करना चाहूं, दोनों तीनों चारों और यहाँ मौजूद सभी लोग मैम के शिष्य हैं। तो एक बार ताली तो इसलिए बजती है कि जो बात उन्होंने कही वो दरअसल उदाहरण के रूप में आपके सामने है। ज्योति मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, आज गुरु के साथ आप स्क्रीन भी शेयर कर रही हैं और हम प्राकृतिक चिकित्सा पर भी बात करने वाले, ये सफर आपका HOD तक पहुंच गया उस विभाग में। तो मैं तो गदगद हूँ और मैं सच में बड़े गर्व का अनुभव कर रही हूँ, और मैं हमेशा मैम को बोलती हूँ कि मैम जो सीखा है जीवन में आपसे सीखा है, उन्होंने बोलने से लेके लिखना तक सभी उन्होंने ही सिखाया है। तो आज मैं जो हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, उसमें 90% तो मैम का योगदान है, 10% मेरी मेहनत है। तो मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है और मैं मैम को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, आज भी इतने सालों बाद भी बिना उनसे पूछे कोई काम नहीं करती। क्या बात? तो जुड़ाव तो मेरा बहुत ज्यादा है, मतलब योग हमें कितनी आध्यात्मिकता से तो जोड़ी देता है, हमें फिजिकली मेंटली फिट तो रखता ही है, संस्कारों से भी पोषित करता है, अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा। यही सवाल मैं पहले आपसे भी कर लेती हूँ रुचि जी, कैसा महसूस करती है जिस क्लास में आपने शिक्षा ग्रहण की और अब उसी में शिक्षिका के तौर पर काम करती है? मुझे भी आगे बढ़ाने में मैम का ही हाथ है, मैम ने मेरे ऊपर विश्वास किया, और जब कोरोना का संकट काल चल रहा था उस समय मैम ने मुझे बुलाया था कि अब जरूरत है तो आ जाओ ऑनलाइन क्लास के लिए, और उस समय से जो मैम ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया उसके बाद आज तक, मतलब मैम ने मुझे सपोर्ट भी किया है और सिखाया भी है, जितना भी मैं सीख रही हूँ आगे वो मैम की ही वजह से, और आगे बढ़ भी रही हूँ तो वो मैम की वजह से है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गुरु का सिखाया जाना और शिष्य का उसे आगे बढ़ा देना, उस ज्ञान को शायद इसी तरह बोलते ना कि आगे बढ़ता चला जाता है वो क्रम, वो सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। हम योग की बात करने वाले, ये जीवन शैली की जब मैंने चर्चा की ना, इस शब्द से जुड़ती हैं ये सारी बातें कि हमें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना देना चाहिए, कि मदद करते चले जाओ, जो शिक्षा ग्रहण की बोलते ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, शायद इसका एक उदाहरण हम इस वक्त देखेंगे भी और बातचीत में भी हमें पता चलता जाएगा। मैम, जीवन शैली की जब हम बात करते हैं, ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, हम थोड़ा सा कुछ समय रुके थे जब कोरोना काल आया था, थम सी गई थी दुनिया, कदम रुक से गए थे, पहिए बिल्कुल जहां थे वहीं पर रुक गए थे, तब समझ में आया कि दरअसल योग का कितना महत्व है। तो उस महत्व के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि तब कोरोना काल में लोगों को समझ में आ गया कि भाई अब तो अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, 24/7 यानी 2400 घंटे सभी के पास उतने ही है, सातों दिन उतने ही है। जी मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, कोरोना काल में व्यक्ति भय से इतना ग्रस्त हो चुका था कि वो डर गया, और इतना भयग्रस्त हो गया कि वो अपने घर से बाहर निकलने में ही बहुत डरने लगा, और जिसने उस समय योग का दामन थामा वो बहुत कुशलतापूर्वक और सकुशल रहते हुए स्वयं के साथ साथ परिवार को भी बहुत अच्छे से पार ले गया। जो लोग योग कर रहे थे वो यदि उन्हें कोरोना हुआ भी तो वो बहुत आसानी से उससे बाहर आ गए, लेकिन जो लोग योग नहीं कर रहे थे, कोरोना का भय ऐसा था कि व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ गया और वहाँ उसने जो पेशेंट देखे तो वो उसको कोरोना है या नहीं, लेकिन देख करके ही उसका मन इतना भयभीत हो चुका कि वो अंदर उसका सिस्टम, हमारे योग में ऐसा कहा है कि अंदर का सिस्टम यदि श्रिंक हुआ और वो बाह्य वातावरण का असर अंतर के अंदर के मन पर पड़ता है, और मन यदि तनावग्रस्त हुआ तो अंदर का सिस्टम आपका श्रिंक होता है, और जब अंदर का सिस्टम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम यदि इसमें कहीं श्रिंक हुए तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है
वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो जो शारीरिक अब जो हमारे अवयव हैं जिनको कि जैसे हम कहते हैं कि खाना चाहिए शरीर को, ऐसे जो हमारे अंदर के अंग हैं उन्हें भी कुछ खाद्य पदार्थ हमारे नब्स के माध्यम से पहुंचते हैं, और यदि उन नब्स में यदि अवरुद्धता आ गई तो फिर उनकी प्राणायाम अर्थात श्वास लेने की प्रक्रिया, खाना पचाने की प्रक्रिया, हृदय की प्रक्रिया, सारी प्रक्रियाएं अव्यवस्थित होने लगती हैं। और मूल में मैं यदि आपको बता दूं तो सबसे पहले व्यक्ति का डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के दो सिस्टम हेल्दी हैं तो बाकी के सिस्टम अपने आप ही हेल्दी होने लगते हैं। बिल्कुल, अभी हम जो देख पा रहे थे, हमने दर्शकों को भी बताया स्क्रीन पर, तितली आसन किया जा रहा था मैम। तो तितली आसन के बाद अब जिस आसन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आसनों की भी देते जाएंगे, और मुझे ये भी जानना है कि दरअसल किस, क्योंकि इस वक्त क्या है कि रोग कौन से रोग कब लग जाएं ये बताकर नहीं आ रहे, नए नए रोगों की उत्पत्ति होती चली जा रही है मैम। अगर मुझे लगता है ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो कौन सा आसन किस रोग के लिए फायदेमंद होगा, किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ये कौन सा आसन अभी किया जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे लगता है मैं रुचि जी आपसे भी ले सकती हूँ। हाँ जी, ये उत्तान मंडूक आसन कर रहे हैं, और ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आपका पूरा चेस्ट ओपन हो रहा है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्पाइन लेंथन हो रही है, तो जो आजकल बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। जो बैठते समय झुकते हैं तो उनको अपर बैक पेन और लोअर बैक पेन होता है, उसमें भी ये फायदा करेगा। बिल्कुल, और ये शोल्डर्स को भी, आपके जो कंधे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, पैल्विस रीजन को भी स्ट्रेंथन करता है, और नीज को, घुटनों को। लेकिन हाँ, अगर किसी को ऑलरेडी घुटनों की प्रॉब्लम है, एंकल्स की, तो उनको ये नहीं करना चाहिए। ओके, रुचि जी एक सवाल मेरे मन में उठा, किसी भी आसन को कितनी देर तक किया जाना चाहिए, मतलब होल्ड जिसको हम बोलते हैं ना कि स्टैच्यू, अब इतनी देर आपको रुकना ही है उस आसन में। एक्चुअली देखिए, अगर महर्षि पतंजलि का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है स्थिर सुखम आसन, मतलब सुख पूर्वक जो स्थिरता की जो स्थिति है वो आसन है, पर हम शुरुआत जब करते हैं तो कुछ सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, लेकिन कोशिश करना है कि ड्यूरेशन हमें बढ़ाना है, एटलीस्ट 1 मिनट तक हमको होल्ड करना है, और भी बढ़ा सकते हैं जब तक कंफर्टेबल महसूस करें। बिल्कुल, लेकिन मतलब कोशिश करना है कि होल्डिंग ज्यादा करनी है, आजकल रिपीटेशन ज्यादा होता है, होल्डिंग कम होती है, तो हमको होल्ड ज्यादा करना, रिपीटेशन थोड़ा कम करें, लेकिन उसको होल्ड करेंगे तब उसके फायदे ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों को ये चीज़ पता चल गई होगी कि किसी भी आसन को, जैसा कि रुचि जी ने बताया कि मिनिमम तो 10 सेकंड कर सकते हैं अगर शुरुआती दौर में है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप समय बढ़ाते चले जाएंगे उतने ज़्यादा अच्छे असर आप देख सकेंगे, प्रभाव उसका आप देख सकेंगे। ज्योति जी, नेचुरोपैथी की अगर मैं बात करूँ, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी चीज़ें जो प्रकृति में विद्यमान है, तो मैं चाहूंगी थोड़ी सी जानकारी पहले हम प्राकृतिक चिकित्सा की दे देते हैं कि किस तरह से चिकित्सा काम करती है, और योग के साथ कैसे जोड़ दिया जा सकता है प्राकृतिक चिकित्सा को। योग और प्राकृतिक चिकित्सा तो इनसेपरेबल है, मतलब अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि योग भी प्रकृति से जोड़ता है और प्राकृतिक चिकित्सा तो प्रकृति की है ही। तो प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे कि शब्द से पता चल रहा है, प्रकृति के विभिन्न तत्वों का उपयोग करते हैं हम उपचार के लिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि अगर हमारे शरीर में, जैसे हम बोलते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो भी ब्रह्मांड में उसी से हमारा शरीर भी बना हुआ है, तो अगर किसी चीज़ की कमी या अधिकता होती है किसी तत्व की, पंच महाभूतों की, तो उन्हीं का उपयोग किया जाता है उस तत्व को वापस समन्वित स्थिति में, समन्वय में लाने के लिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा हमको हमारे शरीर के साथ होम्योस्टेसिस बनाने में सहायता करती है, और शरीर और प्रकृति के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है। वाह, जो अभी हम आसन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमने दर्शकों को भी बताया, ये जो आप देख रहे हैं वो दरअसल मंडूक आसन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैम, साधना मैम से जरूर जानना चाहूंगी, मैम मंडूक आसन है ये, और जितना मेरी थोड़ी बहुत समझ कहती है, क्या डाइजेशन के लिए किया जाता है, थोड़ा जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा। अरे वाह, तो जितने भी डायबिटिक जो लोग होंगे इस वक्त जो कार्यक्रम को देख रहे होंगे, और अगर आपको लग रहा है कि बीमारी में अगर योग किस तरह से उपचार का काम करता है, तो बहुत सारे आसन हैं ऐसे जिसकी जानकारी हम बीच बीच में लेते रहेंगे। फिलहाल जिस आसन की प्रस्तुति हम देख रहे हैं वो मंडूक आसन है,
और इसी के साथ चूंकि मैंने बात की कि बहुत सारे शिष्य इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नेचुरोपैथी केंद्र से भी कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, कुछ युवा हमारे साथ बरकतुल्ले यूनिवर्सिटी योग विभाग के भी हैं, तो और ऐसे ही एक छात्र जो योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं, लगातार योग की जो शिक्षाएँ दे रहे हैं, उसमें से एक नाम हमारे साथ अनिरुद्ध के रूप में है, अनिरुद्ध शर्मा, जो इस वक्त परफॉर्मर के तौर पर हम देख सकते हैं, अनिरुद्ध शर्मा मंडूकासन का परफॉर्मेंस साथ में देते हुए। मैम, हम चूंकि बीमारियों पर अभी चर्चा कर रहे थे, कुछ ऐसे आसन होते हैं जो महिलाएं कर सकती हैं और उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं, कुछ आसन विशेष रूप से, जैसे मयूर आसन की अगर हम बात करना चाहें तो कुछ आसन विशेष रूप से पुरुष वर्ग के लिए है, तो कुछ ऐसे अगर मैं वर्गीकृत करने की बात करूं तो कौन से खास आसन हैं जो महिलाओं को खास तौर से कर लेना चाहिए, वो जो हाउसवाइफ हैं और जो भगती हैं आसनों से, उनका उनका कहना ये होता है, बहुत रोचक बात से मैं इस सवाल को आगे बढ़ा देती हूं, अभी किसी से बोला कि आप योग करते हो तो एक अजीब सा जवाब था, हमें योग करने की क्या जरूरत, हम तो दिन भर इतना काम करते हैं कि अपने आप योग हो जाता है। जरूर दीजिए मैम इसका जवाब। आपकी बात बिल्कुल सही है, जनरली महिलाओं के बीच से ये आंसर आता है। हाँ, वो कब आती हैं, जब वो किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाती है। अच्छा, अब योग क्या है, वो दिन भर काम करती है, सही है, तो उनकी फॉरवर्ड बेंडिंग तो होती रहती है, ठीक, अनोइंगली फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। हाँ, लेकिन क्या है, योग के अनुसार जिस व्यक्ति की स्पाइन जितनी हेल्दी है वो व्यक्ति उतना ही हेल्दी माना जाता है। बिल्कुल, तो आसनों में क्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, और जैसे सर्वांगासन, और कुछ एक जैसे कंप्रेस करना और उसका फैलाव देना, किसी भी चीज को यदि एक साइड जा रहे हैं तो उसके ऑपोजिट जरूर से हमको ट्विस्ट करना है। हाँ। अब आसन में वक्रासन एक ऐसा आसन है कि जिसमें आपकी स्पाइन जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं इस प्रकार से ट्विस्ट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही आपने वक्रासन बोला और परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है, दर्शकों को भी हम स्क्रीन पर बताएंगे अनिरुद्ध अपनी टीम के साथ वक्रासन की परफॉर्मेंस देते हुए, प्रदर्शन हम देख रहे हैं वक्रासन का। जी मैम, यह आसन आपके शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है, इवन ये डायबिटीज के लिए फिर से बहुत अच्छा आसन है। अच्छा मैम, आज डायबिटीज की आप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सुन रही हैं, ठीक है, बीपी, डायबिटीज, ये दो या थायराइड, ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हो गई हैं, हाइपरटेंशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति की जो जो आप जीवन शैली जो आज आप बात कर रहे हैं कि जीवन शैली दूषित हो गई है, ये दूषित होने के कारण हम अनेक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से बिन बुलाए मेहमान की तरह ग्रसित होते चले जाते हैं। अब योग क्या करता है, इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से हमको दूर करता है। योग सबसे पहले, जैसे आपने महिलाओं की बात कही, तो महिलाएं जैसे किचन में खड़ी हैं, हाँ, और अब ये तो आसन बैठ करके ही किया जाएगा, सही, हाँ। यदि वो काम करते करते उन्हें काफी देर हो गई है तो वो ताड़ासन कर ले, सही, तो उनको एक रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि बॉडी स्ट्रेच होगी, हाँ, हमारी स्पाइन स्ट्रेच होगी, हाँ, और उनको जो शोल्डर में जो एक थकान आती है उससे उनको रिलीफ मिलेगा। तो ताड़ासन बहुत अच्छा है, खड़े खड़े या कमर पर हाथ रख के सेकंड्स के लिए बैकवर्ड बेंडिंग ले रहे, हाँ, और कटी चक्रासन कर लें वहीं खड़े खड़े, तो उनको अपनी किचन भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, आसन भी हो जाएगा, शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको मिल जाएगी। दूसरा आसन जो आप बात कर रहे हैं, हमें आसन कितनी देर करना है, हाँ, आसन वो जरूर से जैसे अभी हमारे ये बच्चे कर रहे हैं, हाँ, आपके जो शारीरिक सामर्थ्य है, हाँ, उसके अनुसार आसन करना है, ठीक है, यहाँ जितने लोग हैं, हाँ, हम सभी की अलग अलग सामर्थ्य है, किसी की 2 मिनट होगी, किसी की 2 सेकंड होगी, बिल्कुल सही। तो इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाती हूँ, बच्चों जो देख रहे हैं, हाँ, कि मान लीजिए मैंने एक 5 kg का वेट थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाया, हाँ, और मुझे कुछ देर पता ही नहीं पड़ा कि मेरे हाथ में कुछ है, ठीक, उसके 2 मिनट के बाद मेरे को महसूस हुआ कि मैं कुछ पकड़े हूँ, हाँ, और उसके और थोड़ी देर के बाद वो फिर थोड़ा आसान हुआ, हाँ, तो नीचे पटक दिया, हाँ, तो जो शुरू के हमारे 2 मिनट हैं जी, या तो वो हमारी बॉडी कैपेसिटी है, बिल्कुल, हमें आसन अपनी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार करना है जी, तभी वो फायदेमंद होगा। बिल्कुल, ये उष्ट्रासन है, हाँ, मैं पूछने ही वाली थी कि कितना सुंदर आसन है, और जिससे मुझे समझ में भी, देखने से समझ में आता है चीजें कि कितनी सारी चीजें, मतलब स्ट्रेच हो रही है, स्ट्रेच जो कर रही है पीठ शायद,
तो ये मैंने सुना मैं महिलाओं के लिए जो माहवारी वाला समय होता है उसके लिए थोड़ा ज्यादा फायदेमंद होता है ये आसन महिलाओं के लिए भी अच्छा है लेकिन ये सभी के लिए अच्छा है और ये सौंदर्य का विकास करता है। क्यों? क्योंकि आपका सर्कुलेशन चेहरे की ओर आ रहा है और आप देखिए चेस्ट हमारी एक्सपेंड हो रही तो आपके लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जनरली क्या हम ऐसे बैठते हैं तो ऐसे दबी हुई बस रहती है। योग में क्या होता है, योग में जैसे अभी उत्तान बंदूक किया था या ये किया तो चेस्ट का एक्सपेंड होना तो श्वास का आवागमन प्रॉपर होना और हमारे लंग्स की क्रियाशीलता बढ़ी देन हमारा हार्ट अच्छा कार्य करेगा, हमारा हार्ट अच्छा कार्य करेगा देन हमारा ब्रेन अच्छा कार्य करेगा। तो हार्ट लंग्स हार्ट एंड ब्रेन ये तीनों एक साथ जुड़े रहते हैं। वाह मैम बहुत सारे सवाल हैं लेकिन अब एक छोटे से ब्रेक का समय हो रहा है, ज्योति मैम से भी सवाल करना है और मैं एक महत्वपूर्ण आसन पर चर्चा करूंगी शुक्ला मैम आपसे। तो फिलहाल के लिए ये जो जीवन शैली की हम बात कर रहे हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग की क्या कहेंगे लोग, इसलिए करते रहें योग, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और फिर से आसन और चर्चाओं का आगे बढ़ाएंगे। जोरदार तालियां। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं योग एक जीवन शैली, हमारे साथ डॉक्टर साधना मैम जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ डॉक्टर ज्योति जुड़ी हुई हैं और रुचि जी भी समानांतर हमारे साथ हैं और शिष्य तो है ही जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल, चूंकि मैं तो अपने सवाल रखती चली जाऊंगी मुझे ध्यान ही नहीं रहेगा मेरे खुद के इतने सारे सवाल हैं, लेकिन हमें सवाल हमारे छात्रों के भी लेने पड़ेंगे क्योंकि वो जूझ रहे हैं इस वक्त अलग अलग तरह से। किसी को जब शुरुआत में क्लास में जब गए होंगे तो शायद मंडूकासन समझ में ही नहीं आता होगा कि नाभि के दाएं और बाएं पेट को क्यों दबाना होता है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। तो पहला सवाल कौन करना चाहेगा, मैं चाहूंगी और किससे करना चाहेंगे आप बताएं। गुड मॉर्निंग, खुशी निर्वाण है बेटा। आप बैठ के कंफर्टेबल, चूंकि हम योग की बात करें तो योग आरामदायक मुद्रा में भी किया जाता है। मेरा सवाल डॉक्टर साधना धरोनिया मैम से है। मैम मेरा सवाल है कि मानसिक द्वंद्वों को किस प्रकार हम योग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और डिप्रेशन की समस्या जो आजकल युवाओं में बहुत ज्यादा फैल रही है उसे किस प्रकार हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैम बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज की उसमें बड़ा ज्वलंत प्रश्न है आपका। ये देखिए महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये उन्होंने साधन पाद में बात कही है। ये जो डिप्रेशन की बात है कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली हमारी कार्यशैली थोड़ी कहीं ना कहीं दूषित है, तो इसके लिए सबसे पहले महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियम का पालन करिए। आप पूर्णतः पालन मत करिए क्योंकि पूर्णतः पालन करना तो सब संभव नहीं है, लेकिन यदि हम यम नियम का आंशिक पालन भी करते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठा याम तत् सन्निधौ वैर त्याग। उसका मन इतना शुद्ध सात्विक हो जाता है कि यदि वो व्यक्ति के अंदर से तो जेलसी वैर भाव ये सब हट ही जाते हैं लेकिन उसके संपर्क में आने वाले हिंसक जीव जंतुओं की भी हिंसक प्रवृत्ति उतनी देर के लिए समाप्त हो जाती है जब तक वो उसके ओरा में बैठे हुए। क्या बात है। अब जो डिप्रेशन की आप बात कह रहे हैं, व्यक्ति काम समय पर नहीं कर पाता तो डिप्रेशन का कारण बनता है, जो वो चाहता है वो गेन नहीं कर पाता है तब डिप्रेशन का कारण बनता है। आज विद्यार्थी की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। हम एक उद्देश्य के साथ चले तो हम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे योग के माध्यम से। क्यों? क्योंकि योग आत्मबल देता है, आत्मविश्वास देता है और आपको भय मुक्त करता है, आत्मनियंत्रण भी सिखाता है। यस क्या बात है। जो हम हमेशा बात करते हैं ना स्वनियंत्रण और समय प्रबंधन बहुत जरूरी है, शायद इस तभी आप अपने लिए एक घंटे निकाल पाएंगे। हर बार मैं ये बात कहती हूँ कि मीन टाइम का बहुत महत्व है मैम, कि अपने लिए दिन भर में आधे घंटे कुछ नहीं तो 45 मिनट किया जा सकता है योग की कुछ क्रियाएं। योग तो देखिए ऐसा है यदि आपने प्रॉपर योग कर लिया तो 30-40 मिनट यदि किया काफी होता है। तो जो आज की भागदौड़ वाली शैली है तो वो 30-40 मिनट सफिशियंट है। इसमें कुछ मतलब इसमें एक प्रोग्राम बनाना चाहिए कि दो दो आसन हर बेंडिंग के,
और देन डीप ब्रीदिंग देन प्राणायाम जी। और जो इनका प्रश्न अभी अधूरा रह गया कि जैसे ये बात करते हो आसन का जो रिजल्ट है ततो द्वंद्वान न विघात, आसन से ही ड्वेलिटी की जो हम परेशानी हो रही है वो समाप्त हो जाती है। क्या बात है ज्योति जी। क्या नेचुरोपैथी भी कुछ इसी तरह के मंत्र और तंत्र पर काम करती है? बिल्कुल, नेचुरोपैथी जिसका प्राइमरी एम रहता है, हम लोग ये मानते हैं कि हमारे शरीर में जो वाइटैलिटी है जिसको हम योग में प्राणिक ऊर्जा भी कहते हैं, अगर उसकी कमी है, और उसकी कमी क्यों होती है, क्योंकि उसमें हमारी जीवन शैली में जो गड़बड़ी हम लोग करते हैं, खान पान में जो हम लोग गलत व्यवहार करते हैं, उन सब के कारण हमारी जीवन शैली जो बिगड़ चुकी है उसके कारण वाइटैलिटी कम होती है, और वाइटैलिटी की वजह से ही तमाम शारीरिक और मानसिक विकार आते हैं। हाँ। तो ये जीवनी शक्ति या वाइटैलिटी न केवल हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों बल्कि हमारे मन का भी पोषण करती है। हमारा मन किस प्रकार सोचेगा, किस प्रकार कार्य करेगा, कैसे निर्णय लेगा, उस पर भी काम करता है। तो डिप्रेशन, मानसिक द्वंद कहीं ना कहीं मन का अनियंत्रण ही है, जिसको कि हम एक सही जीवन शैली जो कि प्राकृतिक चिकित्सा सिखाती है उससे हम लागू करवा सकते हैं, और काफ़ी हद तक हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर वैज्ञानिक तरीके से बोला जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा के जो विभिन्न उपचार रहते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में अनेक प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, उनका रिलीज करवाते हैं, और उन ट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा और एंडोर्फिन्स, इनके वजह से हमारा मन प्रसन्न होता है और हमारे जो मानसिक द्वंद की स्थिति से हम निकल सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग को अगर हम जोड़ें, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा आपको उस तकलीफ से तुरंत निजात दिलाएगा, और योग आपको वापस उस तकलीफ में जाने ही नहीं देगा। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी जीवन शैली अगर हम बात करें कि सबकी अलग अलग होती है, सबके उस 24 घंटे को जीने का तरीका अलग होता है, बस घंटे सेम होते हैं ये पता रहता है, तो कितना ज़रूरी हो जाता है आसनों का बेहद महत्व। और जब अगर मैं अभी हम देख रहे हैं सुखासन, बैठकर किए जाने वाले आसन, लेटकर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले, तो योग में अलग अलग क्रियाओं के साथ किए जाते हैं। रुचि, मैं जानना चाहूँगी अभी ये जो मुद्रा पकड़ी हुई है, मुद्राओं का बड़ा महत्व है, तो कुछ मुद्राओं पर भी हम चर्चा कर लें। हाँ जी, ये मुद्रा जो ये लोग बैठे हुए हैं ये ज्ञान मुद्रा है, फर्स्ट फिंगर। इसमें मतलब ये है इस मुद्रा का कि हम जो उस परम ब्रह्म में, ब्रह्म के आगे हाँ। जो है हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उसी से हम एनर्जी हाँ। लेते हैं हाँ। उस ईश्वर से, उस जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको हाँ। हम लेते हैं, और मुद्राएं जो है चैनलाइज करती हैं हमारी एनर्जी को, शरीर के अंदर चैनलाइज करते हैं। तो हम किसी मुद्रा में बैठते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा जो है शरीर के अंदर ही चैनलाइज होती है, और हाँ। वो हील करते हैं हाँ। और हम इसमें पद्मासन में बैठे हैं, तो पद्मासन बैठने का मतलब है कि आपकी स्पाइन इरेक्ट रहेगी, बिल्कुल, आपकी ऊर्जा जो है स्पाइन के थ्रू आपके ब्रेन की तरफ जाएगी। तो जब ध्यान में, इसीलिए हम पद्मासन में बैठते हैं और कोई मुद्रा लेकर बैठते हैं हाँ। जिससे कि, इसीलिए बोलते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती okay. जब हम पद्मासन में बैठकर ध्यान करते हैं तो है। ब्रेन का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा चैनलाइज होती है टुवर्ड्स अवर ब्रेन, ब्रेन की तरफ हमारी ऊर्जा चैनलाइज हाँ। अब कुछ लोग जो दर्शक देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अनिरुद्ध और बाकी के हमारे दो सदस्यों को इस आसन में, तो लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हम लगा ही नहीं सकते, दोनों पैर एक साथ आ ही नहीं सकते। तभी तो योग में आसनों को भी ब्रेक किया गया है, पहले अर्ध पद्मासन, फिर जब अर्ध पद्मासन अच्छे से लगने लगे और उसके भी पहले जॉइंट्स के मूवमेंट, जैसे अर्ध पद्मासन भी बहुत लोग नहीं लगा पाते अच्छा। तो उसके भी पहले जो होते हैं छोटे छोटे जॉइंट्स के मूवमेंट्स होते हैं वो करे जाते हैं, जिससे कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो पहले ओपन हो। कई बार हमारे जॉइंट्स स्टिफ होते हैं, पहले क्या था कि हम जो एंशियंट इंडिया था तो बहुत सारे ऐसे काम करते थे जैसे हमारे जॉइंट्स खुद वर्क करते थे, तो इसलिए हमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। पर आजकल क्या हो गया है कि हमारी लाइफ इतनी सीडेंटरी हो गई है कि जॉइंट्स के मूवमेंट होते ही नहीं। आप ये देखो, अगर किसी को हाथ ऊपर उठाना है तो वो हाथ ऐसा पूरा ऊपर नहीं उठा, बिल्कुल आगे रहेगा, या पैर को उठाना है तो पैर भी अर्धहलासन जैसे ये कर रहे हैं। कुछ लोगों को जब अर्धहलासन हम करवाते हैं सिंगल लेग से, एक पैर नीचे करना है, तो अनिरुद्ध एक पैर नीचे, शायद ये अर्धहलासन की तरफ है। तो जब हम सिंगल लेग से कराते हैं बहुत से लोगों का नी बेंड रहता है, क्योंकि उनकी हैमस्ट्रिंग टाइट होती है, वर्क नहीं करते हाँ। जॉइंट्स के मूवमेंट उतने अच्छे नहीं है, तो उनके ये पैर स्ट्रेट नहीं होते,
ठीक है। तो जब हम जॉइंट्स की मूवमेंट करते हैं तो ये आसन में जाना उनके लिए इजी हो जाता है। तो पहले हमें क्या करना है, छोटे छोटे से जॉइंट्स की मूवमेंट से शुरुआत करनी होती। उसके बाद धीरे धीरे जब हमारे जॉइंट्स की रेंज, हाँ, अब जो फिंगर हमारी पूरी रेंज में, नी जो है हमारा, हाँ, पूरा ऐसा ऐसा होने के लिए कुछ लोगों को होता है वो इससे ज्यादा उसको फोल्ड ही नहीं कर पाते, तो उसका रेंज बढ़ाना है। रेंज बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे पहले जॉइंट्स के मूवमेंट उनको कराते हैं। जब उनका जॉइंट्स हेल्दी होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, उनकी मोबिलिटी बढ़ती है, उनका जो है रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, उसके बाद फिर वो ये आसन अच्छे से कर सकते। क्या बात, तो पहले हम जॉइंट्स करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे बिल्कुल। ज्योति जी, मेरा एक सवाल बन रहा था, चूंकि अभी हम बात आसनों की तो हम बात कर ही रहे हैं, और इसके साथ हम नेचुरोपैथी के उस सवाल पर मैं आना चाहती हूँ जिसमें लोग बोलते हैं कि उम्र को रोका जा सकता है क्या जी? मतलब किसी किसी को देख के लगता है यार इन पर तो उम्र ही नहीं आ रही, इन्होंने तो अब ब्रेक कर लिया है, बिल्कुल अपने आप को रोक लिया है। उम्र को रोकना और उम्र का बढ़ना कि यार लंबी आयु होती है कुछ चीजों से, नेचुरोपैथी इस पर भी काम करती है, इस मंत्र पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उम्र हमारी क्यों बढ़ती है या हम समय से पहले कैसे बड़े दिखने लगते हैं, उसका कारण है कि हमारे शरीर में कोशिका विभाजन कितनी गति से होता है। तो जितना ज़्यादा हमारा फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा और गलत मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ज़्यादा कोशिकाएं डिवाइड होंगी और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते हैं। ये जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं ये सेल्स को डैमेज करते हैं और उनमें जो उनका जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती है उनमें गड़बड़ी लेकर आते हैं, उनको फॉल्टी कर देते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो पहला काम करती है वो विष मुक्तिकरण का करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का करती है, कि हमारे शरीर में ऐसे विष जो हमारे खाने पीने पर्यावरण प्रदूषण के कारण एंटर होते हैं उनको बाहर निकालती है। हमारे शरीर में चार चैनल्स हैं इनको निकालने के लिए, हमारे लंग्स, हमारा आंतें, हमारी किडनीज और हमारी त्वचा, इन सभी का इस्तेमाल शरीर के माध्यम से, शरीर से विषों को निकालने के लिए किया जाता है और इसके लिए अलग अलग उपचार दिए जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। जैसे जैसे हम इन प्रदूषित जो तत्वों को, विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालेंगे, वैसे वैसे कोशिका पुनर्वास और पुनर्जीवन के चरण में एंटर करती है। और जिस कोशिका की उम्र मान लीजिए 120 दिन है, वो अपनी पूरी आयु कवर करेगी, कंप्लीट करेगी, और वो भी पूरे स्वस्थ तरीके से, फॉल्टी मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो जब आपका चयापचय, आपकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो अच्छी तरीके से होंगी, तो फिर आयु असमय वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार इस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम हुआ, हम बॉडी को एक पैसिफिकेशन की स्टेट में लाते, सूदनिंग की स्टेट में लाते, और फिर अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर रिपेयर और रिजुविनेशन की आवश्यकता है तो उस तरह के आहार और उपचार दिए जाते जिससे कि शरीर सुदृढ़ हो सके और हेल्दी हो सके, तो आयु अपने आप ही बढ़ जाती है। बिल्कुल। हमारे दर्शक इस वक्त एक खास चीज को नोट कर पा रहे होंगे आप इतनी देर से, ये जितने भी हमारे अतिथि यहाँ बैठे हुए हैं, आपने तीनों को बिल्कुल टिक कर बैठे हुए नहीं देखा होगा। आपने देखा ना उनका बैठने का तरीका, योग के जितने भी विद्यार्थी होते हैं, योग से जुड़े हुए जितनी भी शख्सियतें हैं, वो ऑलमोस्ट आपको इसी मुद्रा में दिख जाएंगी। पीठ बिल्कुल सीधी रहती है। मैम, कितना प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, क्योंकि हम जीवन शैली की बात कर रहे हैं, तो जब हम योग से जुड़ जाते हैं तो आपके उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, लेटने, हर चीज का तरीका बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता है। जी मैम, देखिए योग है ही एक व्यवस्थित जीवन शैली। सही। जो व्यक्ति योग में उतर गया तो उसका शरीर और मन दोनों शिक्षित और प्रशिक्षित हो जाते हैं। क्या बात है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब व्यक्ति आसन और प्राणायाम का अभ्यास करता है तो वो न तो ज्यादा खाता है, उसके सामने उसकी मनपसंद वस्तुओं के आने के बाद भी वो इंटेक करता है, लेता ही नहीं है, उसका सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करता। ओवर ईटिंग उसकी समाप्त हो जाती है। ठीक। और जितनी उसके शरीर की आवश्यकता है, एक चपाती की या चार की, तो वो उतना ही लेता है, उससे ज्यादा ले। जब आसन का अभ्यास शुरू करते हैं तो शुरू में डाइट थोड़ी सी बढ़ती है, तो व्यक्ति को लगता है कि मेरा तो मैं मोटापा कम करने आया हूँ, कहीं ये तो और बढ़ जाएगा। लेकिन विद इन वीक उसकी डाइट सेटल हो जाती है। क्या लेता ही नहीं है, मतलब शरीर अपने आप को ऐसा ढाल लेता है। बिल ढाल लेता है।
कि जितनी जरूरत है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जिंदगी भी वैसी ही जीनी चाहिए मैम, जरूरत के अनुसार, ख्वाहिशों के अनुसार नहीं। ख्वाहिशों के अनुसार तो एक्चुअली ये जो भौतिक बात की ओर हमारी ख्वाहिशें ले जा रही ना भौतिक बात की ओर, और ये इसी के कारण हम लोग गलत जीवन शैली को मुड़ गए हैं, बिना चाहे मुड़ गए हैं जी। अब उसकी तरफ हमारे इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है। सही बात है, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ पारित भी किया गया, बिल्कुल सही। और इस कारण देखिए मई और जून योग के ही महीने हैं, इतनी गर्मी होने के बाद आप देख रही हैं सभी जगह योग के कार्यक्रम बहुत ही बृहद स्तर पर स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनमानस में निश्चित रूप से योग के प्रति एक जागरूकता आएगी ही। हाँ, ऐसी जागरूकता का परिचय ये लोग दे रहे हैं बहुत सारे सवाल करके। हाँ, बाकी जितने ज्यादा सवाल आएंगे उतने अच्छे जवाब निकल कर आएंगे जी। बताइएगा जी। नमस्कार, मेरा नाम शीतल कुमार दशोरा है। मेरा प्रश्न है साधना मैम से। मैम, वर्तमान जीवन शैली में हम पतंजलि योग सूत्र में जो चित्त प्रसाधन के उपाय बताए गए हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उसको हम वर्तमान समय में किस प्रकार अपने डेली लाइफ में अपना सकते हैं? जी, जी। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में बताया है चित्त को निर्मल करने के लिए, और जब चित्त हमारा शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तभी वह हम स्थिरता की ओर बढ़ते हैं, तभी हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्या पुण्य भावना तश्चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने चार बात कही। हाँ। कि जो बहुत अच्छे लोग हैं, सुखी लोग हैं, हाँ, उनको साथ कैसा होना चाहिए? मित्रवत व्यवहार हो। लेकिन हम मित्रता किसके साथ करना चाहते हैं? हाँ। बताइए। जो अच्छा पहले से सुखी हो। नहीं, जोर से बोलिए माइक के साथ। हम मित्रता उनके साथ करना चाहते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, बहुत बड़ा पद हो, क्योंकि हम उनसे कुछ लाभ लेना चाहते हैं भविष्य में। हम मित्रता के लिए उसी ओर बढ़ते हैं, किसी गरीब की तरफ हम नहीं बढ़ते। जो ज्ञानी हो, हमारी आज मानसिकता बदल चुकी है इस, और इसी कारण हमारा चित्त दूषित हो गया और इसी कारण हमारी जीवन शैली अव्यवस्थित हो गई। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो सुखी लोग हैं उनके साथ मित्रवत रहिए, जो दुखी लोग हैं उनके साथ करुणापूर्ण व्यवहार रखिए, और जो पुण्यवान हैं वो उनके साथ हर्षित, खुश प्रसन्न रहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये भी कहा, देखिए उस समय भी महर्षि पतंजलि ने कब ये योग सूत्र का संकलन किया, कि जो समाज में अपुण्यवान लोग हैं उनके प्रति उपेक्षित रहिए जी। मैम, जैसे रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो हम अपनी गाड़ी को संभाल करके निकालते हैं, ऐसे ही कोई अपुण्यवान आ गया है तो जरा संभल करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते जाए, और हम भी सवालों के सिलसिले में आगे बढ़ाते जाए। मैम, अगला सवाल जो करने वाला है, संक्षिप्त में अपना नाम बताइए और सवाल भी रखते चलिए, और किन से करना चाह रहे हैं ये भी बताइएगा। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम श्वेता शर्मा है। मेरा क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर ज्योति मैम से है कि जो प्रेगनेंसी है वो बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, लेकिन आजकल इतने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो हम योगा और नेचुरोपैथी में से क्या कर सकते हैं कि हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर पाएं? हाँ, और इस सवाल के साथ एक छोटी सी कड़ी जोड़ देती हूँ मैं। आजकल जो ट्रेंड चल गया है ना सिजेरियन का तो वो, और पहले सिजेरियन नहीं होता था, तो क्या कारण हो सकता है? क्या वाकई लाइफस्टाइल का गड़बड़ होना जीवन शैली? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल कुछ हमारा भी दोष है, कुछ सिस्टम का भी दोष है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का लोड इतना, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अधिकतर लड़कियां जो बचपन में, जैसे हम जिस उम्र में थे तो हमने झाड़ू भी लगाया, पोछा भी लगाया, कपड़े भी धोए अपने घरों में, सारे काम किए, लेकिन आज हम ही अपने बच्चों क्या करते, नहीं नहीं पढ़ो, पहले तो नीट निकालना है, पहले ये निकालना है। तो लड़कियाँ क्या कर रही हैं कि ये पूरा टाइम एक जगह बैठ कर, ज़्यादातर पढ़ाई का फिजिकल एक्टिविटी कम से कम हो गई है। आउटडोर स्पोर्ट्स पहले की तरह नहीं रहे हैं, पहले की तरह बच्चे बाहर नहीं खेलते, नंगे पैर नहीं जाते, तो एक्यूप्रेशर नहीं होता। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि शरीर उस तरीके से विकसित नहीं हो पाता जिस तरीके से हो जाना चाहिए। एक लड़की का शरीर वैसे तैयार नहीं हो पाता कि नॉर्मल बर्थ हो सके। तो एक तो ये हो गया जीवन शैली,
अधिकतर लड़कियों में अगेन क्योंकि सिडेंट्री लाइफस्टाइल है तो वेट काफी बढ़ जाता है. जैसे ही वेट बढ़ना चालू होता है आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उस कारण से पीसीओडी डिसमेनोरिया और दूसरी तरह की तकलीफें हो जाती है. तो जैसे ही लड़की मतलब एक थोड़ा सा व्यस्त अवस्था में आ रही होती है तो उसके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस पहले ही हो जाता है. अच्छा, ये हार्मोन शरीर और मन दोनों को ही प्रभावित करते हैं. तो शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं कि प्रेगनेंसी में तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, पहले से ही डर रहता है कि अरे हमको तो पहले से ही इतनी तकलीफें शरीर में, हम प्रेगनेंसी कैसे फॉलो करेंगे. और उसके बाद जैसे जब बेबी हो भी जाता है तो भी कई महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं. क्यों? क्योंकि शरीर भी तैयार नहीं था, मन भी तैयार नहीं था, उसके ऊपर हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस. तो ये सारी चीजें इसका कारण जीवन शैली और जीवन से जुड़े हुए. अनुरोध करना चाहूंगी अनिरुद्ध जो आसन कर रहे हैं पहले, तो वो कौन सा आसन है? रुचि जी आप बता दीजिएगा. ये शशक आसन है. शशक आसन, इसमें हेड जो है नीचे रहता है, बहुत रिलैक्सिंग पोज है. ठीक है, ये नॉर्मली आपको रिलैक्स करता है, एंजाइटी स्ट्रेस है तो उसमें रिलैक्सेशन होता है, पर लोअर बैक पेन हो तो नहीं करना चाहिए. ठीक है, और एक मैं अनुरोध और भी कर लूंगी कि हम संक्षिप्त में जवाब देते जाएंगे क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं कि अब मुझे मेरी बारी कब आएगी सवाल पूछने की. जी अगली बारी. जी नमस्ते मैम, मेरा प्रश्न साधना मैम से. मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यम और नियम का पालन करना कठिन है हमारे रोज के जीवन में, लेकिन आसन प्राणायाम इसमें हमको मदद करते हैं या पॉजिटिव वैल्यूज और हमारे भावनाओं को भी पॉजिटिव करते हैं, वो कैसे? जी मैम बहुत अच्छा है. आसन नियमित करेंगे तो यम नियम पालन होने लगेंगे. अच्छा, क्योंकि आसन करने से आपका जो इंटरनल चेंज है ना वो नेचुरल एक सात्विकता की ओर ले जाता है. तो यम जो व्यक्ति नियमित आसन कर रहा है प्राणायाम कर रहा है वो झूठ बोलना बंद कर देगा. बिल्कुल, ये वैल्यूज है. ठीक है, वही यम नियम की बात है. जी तो हम बच्चे से कहेंगे देखिए पहले तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं, सबसे पहले तो गुरु हमारी माँ है. यदि माँ ने बच्चे को सिखा दिया है तो कि भाई क्लास में आपको कोई भी किसी की भी वस्तु नहीं लेनी है, इतना बता दीजिए, चोरी न करें ऐसा मत बोलिए, वस्तु नहीं लेनी है इसका अर्थ ही है कि चोरी ना करना. तो और कह रहे अगर आप किसी की आवश्यकता तो आप दे दीजिए, तो देने की प्रवृत्ति अपने आप आ जाती है. क्या बात है. तो हम चर्चा कर रहे हैं योग एक जीवन शैली. अगला सवाल मैं लूं आप लोगों में से किसी से, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, चूंकि हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर समय देने के साथ साथ चलते फिरते भी हम कुछ क्रियाएं कर सकते हैं, जहाँ जिस जगह बैठे हैं वहाँ भी कर सकते हैं, जिस जगह खड़े हैं वहाँ भी कर सकते हैं. नेचुरोपैथी में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या चेयर पे बैठा कोई सदस्य कोई क्रिया कर सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल कर सकता है. और अगर हाँ है आपका जवाब तो क्या हम किसी सदस्य के साथ उस क्रिया को कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारी स्टूडेंट स्वर्णलेखा करके दिखा सकती हैं. अरे वाह, क्या बात है. वहीं पर, ठीक है, वहीं पर कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, हाँ. कर सकते हैं. तो अभी देखिए सब लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो. और महिलाएं तो घर का भी काफी काम करके जाती हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता. तो कई बार हम लोग जब देखते हैं ऐसे लोगों को तो हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं. क्योंकि जैसे कि मैम ने बोला कि हर तरह का मूवमेंट आपके स्पाइन को जरूरी है, फॉरवर्ड थोड़ा कम बाकी ज्यादा. ये जो कर रही है क्रियाएं उसके अंतर्गत आ रहा है, उसके अंतर्गत आ रहा है. इसको आप सरल भाषा में कुर्सी योग या चेयर योग भी कह सकते हैं. जी, और देखिए कुर्सी पे बैठे बैठे गर्दन के व्यायाम हो सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर पे काम होता है, लिखने का काम होता है. हाँ. तो गर्दन का व्यायाम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आती है. हाँ. उसके बाद क्योंकि कंप्यूटर पे काम या लिखने के काम कारण शोल्डर्स के ऊपर काफी स्ट्रेन पड़ता है, तो ये शगिंग ऑफ द शोल्डर्स है. तो ये हम सांस के साथ अगर करें, मुझे लगता है कि सारे लोग कर सकते हैं, सारे आप ज्वाइन कीजिए स्वर्णलेखा को. तो देखिए अब अच्छा इसी के साथ श्वास को भी कंबाइन कर देंगे तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बन जाएंगी. तो सांस लेते हुए कंधे ऊपर किए और सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे किए, श्वास की भी एक्सरसाइज और कंधे की भी हो गई. फिर हमने बाहों की एक्सरसाइज करी, बहुत धीरे धीरे बिना झटके के हम लोग एक
रोटेशन मूवमेंट कर सकते हैं शोल्डर्स का। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिरुद्ध अगर आप चाहें तो आप भी अपनी टीम के साथ ज्वाइन कीजिए इस क्रिया को। ये क्या बात, शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे ही हम हर जोड़ को कुर्सी पर बैठे बैठे ही व्यायाम दे सकते हैं, एल्बोस का हम कर सकते हैं, उंगलियों का कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए क्या परेशानी आ रही है, टेनिस एल्बो और कार्पल टनल सिंड्रोम, ये सभी जो कॉर्पोरेट सेक्टर की या जो वर्किंग वुमेन वर्किंग मैन इनकी परेशानियां है, तो ये हम चेयर पे बैठे बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई बोले कि नहीं जी हमको तो थोड़ा सा अपना पेट भी कम करना है, तो हम कुर्सी पर बैठे बैठे आगे झुक के अगर हम अपने पैरों को छुएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और श्वास लेते हुए वापस ऊपर आएंगे, तो इससे हमारा वजन भी नियंत्रण में रहेगा, हमारा पाचन तंत्र भी दुरुस्त होगा। क्या बात है, मुझे तो वो जी हाँ बिल्कुल, स्वर्णलेखा कुछ और भी करना चाह रही शायद, क्या बात है, बेंडिंग ट्विस्टिंग जैसे कि मैम ने कहा था कि सभी चेयर पर बैठे बैठे, हाँ बिल्कुल चेयर पर बैठे बैठे ये साइडवर्ड बेंडिंग हमने स्पाइन को दिया, ओहो दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं ऐसे ही, बस एक पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ करना है। हाँ जी, क्या बात है, मुझे लगता है यहाँ वाले फैट पर भी काम करेगा। हाँ, साइड पे जो फैट होता है थाइस के, अगर सब लोग करके एक बार सब साथ में कर लिया जाए, और बहुत देर से आप लोग भी बैठे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेचिंग जैसा काम कर रहा है, स्ट्रेचिंग जैसा काम हो रहा है, ये आसन ही है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं अर्धकटी चक्रासन या फिर त्रिकोण आसन का एक वेरिएशन है। मुझे एक चीज याद आ गई, जब तक ये बैठे बैठे आप ये क्रियाएं करवा रही हैं, मुझे एक मैंने चक्की आसन देखा है। अनिरुद्ध क्या हम चक्की आसन बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, अगली कोई क्रिया अगर हम बैठ के ट्विस्टिंग भी हम बैठ के कर सकते हैं कुर्सी के ऊपर ही, तो ये कुर्सी के साथ हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं सपोर्ट लेकर, इससे जैसे वो कपड़े निचोड़ने जैसा वाला प्रभाव आएगा, तो फैट भी कम होगा, लिवर और पेंक्रियास इन दोनों के लिए बहुत अच्छा है, तो मतलब डाइजेशन तो ठीक रहेगा ही, डायबिटीज की समस्या को भी रोका जा सकता है, और अगर है तो ठीक भी किया जा सकता है। बिल्कुल, इसके अलावा पैर, क्योंकि पैर हमारा पेरिफेरल हार्ट होते हैं, जो लोग कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं उनका वीनस रिटर्न मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट की तरफ कम आ पाता है, तो अगर हम पैरों का व्यायाम कुर्सी पर बैठे बैठे करते हैं तो क्या होगा कि ये काफ मसल में पंपिंग होगी और जो ब्लड है हार्ट की तरफ ज्यादा आएगा। चटकी चटकी मतलब अगर बहुत देर से हम बैठे हुए हैं और अगर पैर का मूवमेंट देंगे तो वो जो जाम पड़ गया शरीर, हम आम भाषा में बोलते हैं ना कि शरीर जाम हो गया, जाम पड़ गया, तो उसमें ऑयलिंग का काम कर जाएगा ये। और ये एक्सरसाइजेस न केवल हार्ट के लिए अच्छी है बल्कि जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है, और हर तरह के जोड़ का इसमें आपको व्यायाम मिल जाएगा। जी बिल्कुल, अब अगला सवाल हम ले लेते हैं इसी के साथ साथ, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, मुझे बड़ा इच्छा हो रही थी मैम कि मैं आपसे पूछ लूं क्या मैं यहाँ खड़े होकर कर सकती हूँ कुछ चीजें, तो मैंने ज्वाइन की थी इन लोगों के साथ। खड़े होकर भी कर सकते हैं आप, खड़े खड़े हिप रोटेशन कर सकते हैं, स्वर्णलेखा मतलब जस्ट लाइक दैट। हाँ, क्या खड़े खड़े हिप रोटेशन, ये स्वर्णलेखा में बता भी रही है। बिल्कुल, ओके, नी रोटेशन कर सकते हैं, वाह ये स्ट्रेचिंग की तरह काम करेगा, स्ट्रेचिंग की तरह, ये आपका पवन मुक्तासन जैसा भी आपको इफेक्ट देगा। आप कुछ लोग बहाना क्या मारेंगे मैम, साधना मैम, कि मेरा तो पैर ही नहीं उठता है ऊपर तक। नहीं वो कारण ठीक है, बैलेंसिंग है, तो जब तक बैलेंस ना आ जाए तब तक करना तक भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि गिर गए तो बहुत नुकसान पड़ जाएंगे। तो ये सब लोग अपने हिसाब से, अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से चुनाव कर सकते। बिल्कुल सही, अगला कोई सवाल, समय बहुत कम बचा है। मेरा नाम खुशी निर्वाण है और मेरा प्रश्न ज्योति मैम से है। मैम, जो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सा में हम कैसे चिकित्सा उसे दे सकते हैं जिसमें उसे आराम मिले जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए? स्टैच्यू, पहले जोरदार तालियां तो बजा ले, इतना खूबसूरत प्रदर्शन था स्वर्णलेखा, थैंक यू सो मच। अब मैं जवाब लेने आती हूँ आपके पास। प्राकृतिक चिकित्सा में उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप दोनों का उपचार होता है। बेसिकली हम लोग जैसे हमने कहा कि कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा एक तीन फेजेस के उसमें होती है, एक पैकेज के रूप में। पहला होता है एलिमिनेटिव फेज, सेकंड सूदनिंग, और तीसरा कंस्ट्रक्टिव फेज। हम लोग यूनिटी ऑफ डिजीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर में विश्वास करते हैं। इसका मतलब है
कि सभी रोगों का कारण भी एक है, जैसे जीवनी शक्ति की कमी, और सभी रोगों का उपचार भी एक है, मतलब पूरे शरीर को उपचार देना जिसमें कि विषमुक्तिकरण भी हो जाए, आपके शरीर की जो कोशिकाएं उनका पुनर्जीवन भी हो जाए, और ओवरऑल आपका सारा जो सिस्टम्स है वो आपस में समन्वय में काम करें। तो उच्च रक्तचाप के लिए कई सारे उपचारों में से जो एक बहुत मुझे पसंद है और बहुत सरल है, कोई भी कहीं भी कर सकता है, वो है गर्म पैर नहान। गर्म पैर नहान में कुछ भी कठिन नहीं होता, उसमें आपको केवल एक बाल्टी में थोड़ा अपने सहन करें उतना हिसाब से गर्म पानी लेना है, उसमें पैर डालना है, बिल्कुल एक ग्लास पानी पी के बैठना है, और सिर के ऊपर एक गीला कपड़ा ध्यान रखिएगा छोड़कर, है ना। तो ये इन प्रिकॉशन के साथ कि एक ग्लास पानी पीकर सर के ऊपर गीला कपड़ा रख के करेंगे तो विद इन 10 मिनट्स आपका जो ब्लड प्रेशर है, हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, दोनों में कम से कम 5 से 10 की कमी आ जाती है। ये मैंने मुझे हजारों पेशेंट्स हमारे दर्शकों ने जरूर कर लिया होगा, बहुत सुंदर क्रिया थी। अगला सवाल अगर मैं लेना चाहूँ तो जी, अगला कोई सवाल। मेरा नाम मंशा सोनी है और मेरा सवाल ज्योति मैम से है कि आज की जनरेशन में इंसोम्निया बहुत ज्यादा हो रहा है हम लोगों के लिए, तो उसके लिए कुछ ऐसा नेचुरोपैथी या योगा रिगार्डिंग कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं? और इस पर मैं मैम आपका भी व्यू ले लूंगी ज्योति मैम के साथ साथ। इसके लिए भी ये जो हमने गर्म पैर नहान बताया ना, ये बहुत हॉट फुट बाथ जिसको बोलते हैं, बहुत फायदा करता है। ये कैसे काम करता है कि हमारे जो इंसोमिया का जो एक मेन कारण है ना, वो योग में मैम भी बताएंगी कि डिस्टर्ब माइंड है, कि आपके माइंड में इतनी सारे विचार और डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं कि वो जो स्लीप सेंटर है बेचारा वो जाग ही नहीं पा रहा। क्या किया जाना चाहिए? तो गर्म पानी पैर डालने से क्या होता है कि सर्कुलेशन पूरा पैर की तरफ जाता है, तो ब्रेन का सर्कुलेशन कम होने के कारण नींद आने लगती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और उपचार किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आना पड़ेगा आपके सेंटर में हमें। बिल्कुल जी मैम, साधना मैम, ऐसे व्यक्ति को कपालभाती, एक्चुअली कुछ आसन और कपालभाती, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति शवासन नहीं कर पाएगा प्रारंभ में। अच्छा, क्योंकि थॉट्स का इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं तो वो शवासन ले ही नहीं पाएगा, तो इसको पहले अच्छे से आसन कराएं और फिर कपालभाती कराएं, देन डीप ब्रीदिंग और फिर शवासन में ट्राइए। और दूसरी चीज, रात को सोते समय घुटने तक पैर धोले अपने अच्छे से, और अच्छे से पोंछ करके बिस्तर पर जाएं और फिर ओम उच्चारण करते हुए शवासन में लेट जाएं। बस इतना काफी होगा, इतना भी अगर रूटीन में करेंगे तो नींद की समस्या से निजात मिल जाएगी। अगला सवाल। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्वर्णरेखा है। मेरा सवाल डॉक्टर ज्योति मैम से है कि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा लोगों को आते हैं, तो उसको हम योग से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका सवाल ऐसे मैम बहुत अच्छे बताएंगी, लेकिन पतंजलि जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि अगर कोई निगेटिव आता है तो उसको तुरंत रिप्लेस करो पॉजिटिव से, है ना। तो उन्होंने कहा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, तो जैसे ही कोई निगेटिव थॉट आया आप उसको रिप्लेस करो, और एक बार नहीं, इसको कई बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा जब तक कि भावना नहीं आ जाए, मतलब जब तक कि वो हैबिचुअल ना आ जाए। काश समय को मैं रोक सकती, लेकिन रुचि मैं बहुत देर से आप सिर्फ सुनने का काम कर रही है, मैं चाहूंगी कि आप बता भी दीजिए कौन सी क्रिया कर रहे हैं। और चूंकि अभी प्राणायाम और अष्टांग योग की बात हो रही थी मैम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि, अगर याद रह जाता तो एग्जाम में अच्छे नंबर ले आती। ये लोग प्राणायाम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। ये एक्चुअली बैलेंस करता है आपके जो सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करता है, क्योंकि अगर हमारा पैरासिंपथेटिक ज़्यादा एक्टिव होता है तो नॉर्मली वही जो है आजकल एंजाइटी का कारण है, क्योंकि पैरासिंपथेटिक ज़्यादा एक्टिव है। वैसे फ़ायदा भी करता है, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा नहीं है कि उसको एक्टिव नहीं होना, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा कार्य, मतलब पूरे टाइम आपके विचार चल रहे हैं, तो वही आपके लिए नुकसान का, वो हाई बीपी का कारण है आजकल बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज का। तो ये आपके दोनों सिस्टम को बैलेंस करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक सवाल मैं आप लोगों के, मुझे लगता है सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, एक सवाल करना चाहेंगे? बिल्कुल, संक्षिप्त में कर लेते हैं और संक्षिप्त में ही मैं जवाब लूंगी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम आयुषी ठाकुर है और मेरा सवाल ज्योति मैम से है। मैम, जैसे इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है, तो हम डायबिटीज को नेचुरोपैथी और योगा दोनों से किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, पूरी तरह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं क्या? एक तो इसमें मैं एक बात जरूर मैं जोड़ना चाहूंगी कि ये पूरा गेमिक्स होता है, मतलब ये जो शुगर लेवल बढ़ाते जा रहे हैं ना, मतलब वो कम करते जा रहे हैं डायबिटीज का, एक तो वो बहुत एक बड़ा प्लॉट है, लेकिन फिर भी अगर हम शुरू से ही सही जीवन शैली रखते हैं
और एक मिनिमम जैसे मैम ने कहा 30 मिनट्स का भी अगर आप योग अपने जीवन में ले आते हैं और समय पर खाएं, समय पर सोएं, जैसे अभी रिसर्चेस क्या कह रही हैं कि अगर आप सूर्यास्त के पहले खाते हैं, हमारे कल्चर में है ऑलरेडी, तो डायबिटीज नहीं होगा। तो ये अगर आपने सही समय पर अपने जीवन में ले आए ना ये पॉजिटिव बातें, तो होगा ही नहीं डायबिटीज। और इन चीजों में ये त्राटक भी, मैम ये त्राटक है, इसमें बहुत मदद करेगा। एक अंतिम सवाल लूंगी मैम और जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी साधना मैम से। ये आप सब सुनिएगा है, सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। ये जो मोबाइल को रात भर चलाने की आदत है ना मैम, कि बिल्कुल सर के पास रखकर सोएंगे कि एक रिंग में उठ जाना चाहिए फोन, और मोबाइल जब तक देख नहीं लेंगे, तसल्ली ना हो जाए तब तक सोएंगे नहीं, ऐसे बच्चों के लिए बता दीजिए आप जवाब क्या है। ऐसे बच्चों के लिए, हाँ, ऐसे बच्चों को सबसे पहले मोबाइल बिना चाहे भी दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाकई बहुत मुश्किल है, खाना मिले या ना मिले लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल सही, और उसी के कारण आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रही है और उसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो सबसे पहले जो छोटे बच्चों को माँ बाप दे देते हैं अपना काम कर रहे हैं, हाँ। तुम मोबाइल देखो तब तक तो सबसे पहले पेरेंट्स अपनी जीवन शैली से सबसे पहले मोबाइल को हटाना चाहिए और योग से जुड़ जाना है। योग से जुड़ना है लेकिन उतना ही यूज करिए जितनी आवश्यक। बिल्कुल, वही बार बार बात हो रही है जरूरत और ख्वाहिशों वाली। तो इसी के साथ मैम समय इजाजत दे रहा है, मैं यही धन्यवाद करूंगी। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर साधना दोनरिया जी, HOD योग विभाग बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, उन्हीं के साथ डॉक्टर ज्योति केसवानी जी, HOD संत हिरदाराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, और साथ में थी रुचि शुक्ला योग विभाग BU भोपाल, योग शिक्षिका जो रही है BU में है अभी भी, और इन्हीं के साथ अनिरुद्ध शर्मा अपनी टीम के साथ थे। साथ में हमारे जो छात्र थे वो नेचुरोपैथी और बरकतुल्ला योग विभाग के छात्र थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, खूब सारे मुझे ऐसा लगता है जोरदार तालियों से हम पहले एनर्जी को फिर से जाने से पहले, और खूबसूरत पंक्तियां हैं कि आसन सादे देह को सरल रक्त संचार और चिंता से मुक्त हो के सुख दे हमें अपार। तो योग करते जाइए और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है, ये ऐसा रोग है योग का जो सब में खुशियां ही बांटता है। तो जाने से पहले खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और मुझे यही दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। और जाने से पहले मुझे ऐसा लगता है एक बार ओम का उच्चारण हम सब साथ में मिलकर करेंगे जी। अनिरुद्ध,